हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 35,000 इस भर्ती में रिक्रूटमेंट आने वाली है और 35,000 तक पोस्ट ये आपको देखने को मिलेगा। इसका विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ये सूचना आपको देखने को मिल जाएगी। हम बात करते हैं दोस्तों उन स्टूडेंट की जो इस भर्ती के लिए वाकई में सीरियस हैं या फिर अभी सीरियस होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इसमें दो तरह के स्टूडेंट जो हैं हम लोग को देखने को मिलेंगे। पहले स्टूडेंट वो हैं जो ये सोचते हैं कि विज्ञापन जारी होने के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, और एक स्टूडेंट वो हैं जो अभी अपने कोचिंग तो कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरह से उनके अच्छे मार्क्स हों जिससे सिलेक्शन ले लें। तो दोस्तों, इन दोनों तीनों मुद्दों पे चर्चा होगी। पहली चर्चा ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन आ जाए उसके बाद कोचिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, तो दोस्तों अभी से मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन लगभग ना के बराबर है। ये बात आपको कड़वा लग सकता है, क्योंकि दोस्तों यदि आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे और सोचेंगे विज्ञापन आने के बाद अपनी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल होने वाला है नहीं। सिलेबस भले ही देखने में छोटा लगता हो, लेकिन आपको इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बेसिक चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे यदि विज्ञापन जारी होता है उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट आती है तो उस पीरियड तक आप कम्प्लीटली इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा समय न देना पड़े और जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। और जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो स्टूडेंट दरोगा में फेल हुए हैं, पिछली रिक्रूटमेंट फेल हुए हैं, उनकी तैयारी और आपकी तैयारी से यदि कंपैरिजन करवाया जाएगा तो बहुत अंतर मिलेगा। वो प्रैक्टिस मोड में चल रहे हैं, वो लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो तैयारी करके फिर से कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इन स्टूडेंट से यदि कंपैरिजन करेंगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस वजह से अभी भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और कड़ी से कड़ी मेहनत करके आप इस रिक्रूटमेंट के लिए तैयार रहें। और जब तक परीक्षा तिथि आती है, जैसा कि आपको पता है कि एक महीने तक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, फिर एक आध डेढ़ महीने के अंतर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस महीने में विज्ञापन आता है तो अगले महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, तो दो तीन महीने का गैप है। और इस दो तीन महीने में नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। वहीं पुराने स्टूडेंट जो हर एक रिक्रूटमेंट को देख रहे हैं, पुरानी भर्तियों को देख रहे हैं और किन्हीं एक दो नंबर पाँच नंबर से नहीं हो रहा है, तो वे स्टूडेंट अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो आप भी लोग बिना देर किए अच्छे से तैयारी करें, जिससे दोस्तों आप लोग इस रिक्रूटमेंट में, जैसा कि आपको पता है कि और कोई रिक्रूटमेंट आता है तो बहुत कम सीटें होती हैं और इसमें आपको 35,000 तक सीटें देखने को मिलने वाली हैं। तो मेहनत करेंगे तो दोस्तों 100% आपका होना तय है। और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लेते हैं, तो उन स्टूडेंट में आप भी बनिए। और ये रिक्रूटमेंट दोस्तों बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसा कि एज को लेकर ट्विटर कैंपेन स्टूडेंट करने वाले थे, अभी उसके बारे में अपडेट नहीं मिला है कि एज में छोड़ दी जाए, और ये सारी चीज़ें विज्ञापन जारी होने के बाद ही मिलेगा। और दोस्तों, यदि विज्ञापन जारी होता है उसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं तो फिर आपको एज में छूट मिलेगा। तो तैयार रहिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नए के साथ। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।